हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कॉनिकल फ्रिक्शन क्लच के बारे में। तो कॉनिकल फ्रिक्शन क्लच कैसा है, किस तरह से यूज होगा, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल मेरे पास है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट दो शाफ्ट है। मैं अगर मान लूँ कि ये इनपुट शाफ्ट है, तो इनपुट के लिए अगर यहाँ से मिल रही है हमें पावर, तो यहाँ पे पावर दिख रही होगी। ये देखिए, ये भी शाफ्ट हमारे पास घूम रही है। ये हमारे पास पार्ट है जो कॉनिकल क्लच मेनली यूज होता है। तो इसका अगर देखोगे तो हम मान लीजिए कि आप ये देखे, हम घुमा रहे हैं, व्हील्स घूम रहे हैं, यहाँ पे इंजन है, यहाँ पे व्हील्स, आराम से व्हील्स घूम रहे हैं। अचानक से आपने क्लच दबाया तो ये देखिए अलग हो गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग ने इसको इधर खींच लिया, खींच के इसको इसके साथ डिसकनेक्ट कर दिया। अब इसका जो एंगल है ना, ये कौन है, यही मेन है, ये इसके अंदर फिट हो जाता है। जब हम इसको, आप दोबारा, मैं क्लच छोड़ देता हूं और इसको एंगेज पोजीशन में लेके आता हूं, ये देखिए, तो ये यहां पे घूमने लग गया। आपने क्लच दबाया, इसको डिसएंगेज किया और इस तरह से मूव कर लिया। ओके, इस तरह से मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास डिसएंगेज है, ये एंगेज है। तो एंगेजमेंट देखिए, क्लच दबाया तो ये डिसएंगेज, एंगेज। अभी इसका यूज जो है, ये थोड़ा सा आपको बात बताऊं तो ये नहीं हो रहा है आज का यूज। इसका मेन रीजन रहा कि इसके कॉन जो है, इसका एंगल जो है, कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं बन पाता है। कई बार इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन के लॉसेस, इसमें हमारे पास जो है पावर ट्रांसमिशन के लॉसेस होते हैं, और ये धीरे 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 खत्म हो चुका है। लेकिन आप कहोगे सर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, तो सीरियसली बताऊं तो आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये भी कॉन्सेप्ट था। इसके बेसिस पे आगे नहीं बन सका, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है कॉनिकल क्लच। तो कौन एक एंगल, हमारे पास एंगल गिवन है, इस एंगल पे आप पावर ट्रांसमिशन इसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो चुका है आजकल। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। एक बार थम्स अप कर दें अगर आपको अच्छा लगा, एक बार लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह के और भी ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लगता है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, मुझे लगता है कि कॉलेज में मुझे ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप इन ईथर इंजीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, यहाँ पर मैं आपको थंबनेल दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।